देखिए संविधान तो देश बनाता है, देश कभी भी संविधान में परिवर्तन करके हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकता है, लेकिन संविधान से घोषित हो या ना हो, ये हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। अब से 30 बरस पहले मेरठ में फिरकावाराना फसाद हुए थे और अब एक बार फिर इसके आसार दिख रहे हैं। तो फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आप क्यों नहीं मानते? इसलिए नहीं मानते कि उन्होंने देश के टुकड़े किए, इन्होंने हिंदुओं के खिलाफ काम किए, इन्होंने हिंदुओं को नुकसान पहुंचाया, मुस्लिम तुष्टिकरण किया इन्होंने। इतनी बड़ी हिंदुओं की आबादी को नज़रअंदाज करके मुट्ठी भर मुस्लिमों के पक्ष में बोलते रहे, देश का विभाजन तक करवा दिया, तो ऐसे व्यक्ति को कौन याद करेगा, बताइए। शहर में हिंदू महासभा बाबा कौम महात्मा गांधी को कत्ल करने वाले नाथूराम गोडसे का बलिदान दिवस मना रही है। हिंदू महासभा के सदर का मानना है कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को कत्ल करके बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। आज पुण्यतिथि है, आज हम लोग गोडसे को याद कर रहे हैं और लोगों के बीच में ये प्रचार कर रहे हैं कि देश को बचाने के लिए इन्होंने इतना बड़ा काम किया, युवा पीढ़ी को जानकारी दे रहे हैं। और आज हम लोगों ने एक मांग रखी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि मेरठ शहर का नाम पंडित नाथूराम गोडसे नगर रखा जाए, गाजियाबाद का नाम महंत अवैधनाथ रखा जाए, महंत दिग्विजयनाथ रखा जाए और हापुर का नाम महंत अवैधनाथ रखा जाए। अवैधनाथ जी गुरु थे आदित्यनाथ जी के और दिग्विजयनाथ जी अवैधनाथ जी के गुरु थे और ये दोनों हिंदू महासभा के बड़े नेता थे। जो राम मंदिर का आंदोलन चला वह सब दिग्विजयनाथ जी के नेतृत्व में चला। तो हमारी मांग है कि योगी सरकार जिस तरह से नाम बदल रही है और उन्होंने अच्छा किया है कि इलाहाबाद का बदल के प्रयागराज कर दिया, अयोध्या कर दिया फैजाबाद का नाम, हम उसका स्वागत करते हैं, उसी तरह से हमारी मांग है कि हमारी मांगों को जल्दी माने और मेरठ का नाम बदल करके पंडित नाथूराम गोडसे नगर, गाजियाबाद का दिग्विजयनाथ नगर और हापुर का अवैधनाथ नगर। महात्मा गांधी को पूरा देश राष्ट्रपिता के तौर पे जानता है, लेकिन हिंदू महासभा मेरठ में अभी भी नाथूराम गोडसे को बलिदान दिवस के तौर पे जानते और मानते हैं। सवाल ये है कि एक स्वतंत्रता सेनानी के कातिल को अभी भी लोग क्यों इतना सम्मान दे रहे हैं। मेरठ से खुर्शीद अहमद, ईटीवी भारत के लिए।